नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्टडी विद दुर्गेश पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास जो है देर से है, उसका कारण यह है कि हमारी टेक्निकल टीम जो है वो काफ़ी व्यस्त है, जिसकी वजह से आज का क्लास जो है ये संविधान सभा का वो देर से है। तो दोस्तों बता दें आपको कि संविधान सभा की ये आखिरी क्लास होगी, सबसे आखिरी क्लास होगी। इसके बाद हम संविधान के अन्य पहलुओं पर, दूसरे टॉपिक पर आएंगे, लेकिन संविधान सभा की ये आखिरी क्लास है दोस्तों, भाग 8। इसके पहले संविधान सभा से संबंधित 7 कक्षाएं हम लोग समाप्त कर चुके हैं, ये उसकी आखिरी कक्षा है। आइए दोस्तों इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आपसे बता दें कि जितने लोग अभी तक जुड़ चुके हैं, कृपया करके वे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और यदि अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें। और आइए अब हम इस क्लास को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका और फ्रांस का संविधान हस्तलिखित है, इसलिए यहाँ पे नेहरू गलत लिखा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। नेहरू, अमेरिका और फ्रांस का संविधान हस्तलिखित है, इसलिए नेहरू ने विचार किया कि भारत का संविधान भी हस्तलिखित होना चाहिए। दोस्तों ऐसा कौन कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। क्या कहा? कि अमेरिका और फ्रांस का जो संविधान अलिखित है, उसी प्रकार से भारत का भी संविधान अलिखित होना चाहिए। ऐसा विचार किसने किया? नेहरू ने। तो नेहरू ने क्या किया दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं। तो दोस्तों, नेहरू को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसकी लेखन शैली सुंदर हो। तो उन्होंने क्या किया नेहरू ने कलकत्ता के एक शांति निकेतन विद्यालय है, जिसे स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो वहाँ पे उन्होंने संपर्क किया। कहाँ? शांति निकेतन में। कौन? नेहरू ने। वहाँ से उन्हें क्या पता चला कि दिल्ली में एक लेखक हैं जो पहले शांति निकेतन में ही पढ़ते थे। दिल्ली में एक लेखक हैं जिनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उनकी जो लेखन शैली है दोस्तों, वो काफ़ी उल्लेखनीय और काफ़ी प्रशंसनीय है। और उन्होंने फिर उनके बारे में पूछा तो पता चला कि वो इस समय यहाँ नहीं है, वो दिल्ली में है। तो बाद में नेहरू दिल्ली जाकर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से मिलते हैं, और नेहरू उनसे कहते हैं कि आपको भारत का संविधान अपने हाथों से सुंदर लेखन शैली में लिखना है। तो नेहरू ने पहली शर्त उनसे ये रखी कि आप लेखन के बदले में क्या लेंगे, अर्थात यदि आप भारतीय संविधान लिखेंगे तो उसके बदले में आपको कितनी रकम चाहिए या फिर कितना पैसा चाहिए। उन्होंने ये बात रखी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के सामने। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे, उन्होंने किसी भी प्रकार का शुल्क लेने से इनकार कर दिया, और उन्होंने अपनी एक शर्त रखी। वो शर्त क्या थी दोस्तों? उनकी ये शर्त थी कि उन्होंने कहा कि मैं संविधान लिखने के बदले सिर्फ यही चाहता हूँ कि संविधान के प्रत्येक पेज पर मेरा नाम हो और संविधान के आखिरी पेज पर मेरे नाम के साथ मेरे दादा का नाम हो। दोस्तों यही बात उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने रखी, यही उनकी शर्त थी संविधान लिखने के शुल्क के रूप में, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो इस बात से सहमत हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तब प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को अपने हाथ से लिखा। उन्हें कुल लिखने में जो समय लगा था वो 6 माह लगा था दोस्तों, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखा। तो भारतीय संविधान कैसे लिखा गया था? हाथ से लिखा गया था दोस्तों, किसी टाइपराइटर का प्रयोग नहीं हुआ था, इसे हाथ से लिखा गया था। और किसने हाथ से लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा कहाँ से संबंध रखते थे? शांति निकेतन, कलकत्ता के शांति निकेतन। यहाँ पे शांति निकेतन भी गलत लिखा है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि टाइपिंग मिस्टेक हुई है, आप लोग शांति निकेतन पे ध्यान दीजिए। शांति निकेतन जो आर्ट्स ऑफ स्कूल था दोस्तों, स्कूल ऑफ आर्ट्स था,
वहाँ से ये संबंध रखते थे, वहाँ से इन्होंने पढ़ाई की थी। तो इन्होंने भारतीय संविधान को कितने दिनों में लिखा? 6 माह में लिखा मैं दोस्तों, 6 महीने में इन्होंने हाथ से पूरे संविधान को लिखकर तैयार किया। उसके बाद दोस्तों कलकत्ता के शांति निकेतन, जो जिस स्कूल से संबंध रखते थे, यहाँ पर भी गलत लिखा हुआ है, आप लोग सुधार कर लीजिएगा, शांति निकेतन ये सही दोस्तों। कलकत्ता के शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनवाया था। कौन? जो हमारे जनगण मन के रचयिता हैं, कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनवाया था कौन, शांति निकेतन स्कूल को, जो स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे है? कलकत्ता में है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा बिहार के निवासी थे। दोस्तों आपको बता दें, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे, बिहार में एक ज़िला है जिसका नाम है मधुबनी, मधुबनी जिला के ये निवासी थे। कौन सा जिला दोस्तों? मधुबनी, मधुबनी एक ज़िला है, वहाँ से ये संबंध रखते हैं, वहाँ के ये निवासी थे, बिहार के निवासी थे दोस्तों, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, यदि क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के सुलेखक कौन है, तो याद रखिएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और ये कहाँ के थे? बिहार के मधुबनी ज़िले के थे। और इन्होंने भारतीय संविधान कितने दिन में लिखा? 6 माह में लिखा। भारतीय संविधान लिखने के लिए इन्होंने शुल्क लिया? तो दोस्तों शुल्क इन्होंने नहीं लिया, बल्कि इनकी एक शर्त थी, वो शर्त यह थी कि प्रत्येक पेज पर, संविधान के प्रत्येक पेज पर इनका नाम होगा, और संविधान के आखिरी पेज पे इनके नाम के साथ इनके दादाजी का नाम होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे, इनके दादा का नाम क्या था? तो दादा का नाम इनके था रामदास दोस्तों, रामदास। रामदास था इनके दादा का नाम, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इन्होंने क्या कहा था कि जो संविधान का आखिरी पेज होगा उस पे मेरे नाम के साथ मेरे दादाजी का नाम होगा। इनके दादाजी का नाम क्या था? रामदास दोस्तों, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइपिंग नहीं पेन से लिखी गई मूल प्रतियां, ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग नहीं पेन से लिखी गई मूल प्रतियां। दोस्तों बता दें कि जैसा ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था, तो नेहरू के मस्तिष्क में ये बात आई, जिस प्रकार अमेरिका और फ्रांस का संविधान हस्तलिखित है, उसी प्रकार भारत का भी संविधान हस्तलिखित होना चाहिए। और जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा, और भारतीय संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया दोस्तों, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। बाद में उसे हिंदी में भी लिखा गया, लेकिन मूल रूप से जो लिखा गया था वो अंग्रेजी में लिखा गया था। और जो भारतीय संविधान को लिखा गया था उसमें किसी टाइपराइटर या टाइपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ना ही टाइपिंग से किया गया था, ना ही टाइपराइटर से, उसे हाथ से लिखा गया था। तो भारतीय संविधान कैसा है दोस्तों? हस्तलिखित है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। टाइपिंग नहीं पेन से लिखी गई मूल प्रतियां, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान को कैसे लिखा गया? हस्तलिखित है दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान मूल रूप से हाथ से अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा इटैलिक फॉन्ट में लिखी गई है। आज आपके मोबाइल में जितने भी लोग मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं, लगभग सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन होगी, तो आप लोग जानते हैं कि फॉन्ट कई तरह के होता है, उसमें एक इटैलिक फॉन्ट होता है। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जो भारतीय संविधान को लिखा था उसमें कौन से फॉन्ट का प्रयोग किया था? तो आपको बता दें कि उन्होंने इटैलिक फॉन्ट का प्रयोग किया था। कौन? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। रायजादा ने 303 नंबर की 254 पेन होल्डर निब का प्रयोग किया था। याद रखिएगा 254 पेन होल्डर निब पेन एक आती थी जिसमें स्याही पहले भरी जाती थी, उसके बाद लिखा जाता था, बहुत पहले लिखा जाता था दोस्तों, शायद आप लोगों को याद होगा। हालांकि निब पेन अब कोई प्रयोग नहीं करता, लेकिन पहले क्या होती थी, एक निब पेन आती थी जिसमें स्याही भरा जाता था, उससे लिखा जाता था। तो जो भारतीय संविधान लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, उसे निब पेन से लिखा गया था। कितनी पेन है? 254 पेन होल्डर निब से लिखा गया था, और 303 नंबर की पेन थी दोस्तों, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इस्तेमाल कर बेहद खूबसूरत लिखावट में लिखा,
स्वाभाविक सी बात है यदि अच्छी लेखन शैली के व्यक्ति हैं और यदि इटैलिक लैंग्वेज में लिख इटैलिक फॉन्ट में लिख रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जो लिखावट होगी वो काफ़ी सुंदर होगी। अंतिम पेज पर अपने दादा अपने नाम के साथ अपने दादाजी का नाम लिखा, कौन? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उनके दादाजी का नाम रामदास था, जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। बाद में हिंदी में लिखी गई हिंदी का लेखन वसंत कृष्ण, यहाँ पे कृष्ण गलत लिखा है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है। कृष्ण वैद्य के द्वारा हाथ से किया गया, जिसे बाद में देहरादून से प्रकाशित किया गया। यहाँ प्रकाशित भी गलत है दोस्तों, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। बाद में हिंदी में लिखी गई, पहले के मूल रूप से किस में लिखी गई? अंग्रेजी में। बाद में कैसे लिखी गई? हिंदी में लिखी गई। हिंदी में जो लिखी गई उसे कौन लिखा? वसंत कृष्ण वैद्य। वसंत कृष्ण वैद्य लिखे थे, कौन दोस्तों? वसंत कृष्ण वैद्य। वसंत कृष्ण वैद्य। तो हिंदी में जो लिखे थे कौन थे? वसंत कृष्ण वैद्य थे, और जिसे बाद में कहाँ से प्रकाशित किया गया? कहाँ से? देहरादून से प्रकाशित किया गया था दोस्तों। इस बात को याद रखिएगा कि हिंदी में जो लिखी गई हस्तलिखित प्रति थी उसे वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा लिखा गया, जिसे बाद में देहरादून से प्रकाशित किया गया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के हर पेज को चित्रों से आचार्य नंदलाल बोस के द्वारा सजाया गया, लेकिन प्रस्तावना वाले पेज को सजाने का कार्य नंदलाल के शिष्य राम मनोहर सिन्हा के द्वारा किया गया था। यहाँ पे शिष्य भी गलत लिखा है दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग सुधार लीजिएगा। दोनों लोग शांति निकेतन से संबंध रखते थे, इस शब्द को भी आप लोग सुधार लीजिएगा दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है काफ़ी ज़्यादा। शांति निकेतन से संबंध रखते थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय संविधान जो मूल रूप से लिखा गया था उसे लेखन शैली जो थी वो तो वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि जितने भी पेज भारतीय संविधान में हैं उन सभी पेज को पेज के किनारे पर बॉर्डर पर देखेंगे आप उसको सजाया गया है, उसमें फूल चित्र ये सब कलाकृतियाँ की गई हैं। तो ये जो कलाकृतियाँ की गई थी दोस्तों वो कौन किए थे? नंदलाल बोस ने किया था। और जो प्रस्तावना वाला पेज है, प्रस्तावना वाले पेज को कौन सजाया था? राम मनोहर सिन्हा। राम मनोहर सिन्हा कौन थे? नंदलाल बोस के ही शिष्य थे दोस्तों, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना वाले पेज को राम मनोहर सिन्हा ने सजाया था, जबकि संविधान के सभी पेजों पर नंदलाल बोस ने अपना कलाकृति की थी। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। और ये दोनों ही व्यक्ति कौन? नंदलाल बोस और उनके शिष्य राम मनोहर सिन्हा, दोनों ही व्यक्ति शांति निकेतन स्कूल ऑफ आर्ट्स जो कलकत्ता में है उससे संबंध रखते थे, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। संविधान की मूल प्रति भारतीय संसद की लाइब्रेरी में हीलियम से भरे गैस में हीलियम का केस जिसे कहा जाता है में रखी गई है। दोस्तों जो भारतीय संविधान की मूल प्रति है उसे कहाँ रखा गया है? जो भारतीय संसद है उसकी जो लाइब्रेरी है सेंट्रल हॉल जिसे कहते हैं में हीलियम से भरे गैस में रखी गई है। क्यों? क्योंकि उसकी मूल प्रति खराब ना हो दोस्तों, इसलिए उसे हीलियम के गैस में रखी गई है, जिसे हीलियम के केस के नाम से जाना जाता है। संविधान सभा की कार्यवाही में प्रेस व जनता को स्वतंत्रता प्राप्त थी, किसे? प्रेस व जनता को। तो आपको बता दें तो दोस्तों संविधान सभा की जब कार्यवाही चल रही थी तो उस दौरान प्रेस व जनता को उस कार्यवाही में भाग लेने की स्वतंत्रता प्राप्त थी, अर्थात जब कार्यवाही चल रही थी तो प्रेस जो कि मीडिया जिसे आप लोग कहते हैं और जनता उस कार्यवाही को देख सकती थी कि कार्यवाही में किस प्रकार के प्रावधान संविधान में किए जा रहे हैं, किन लोगों का क्या क्या मत है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। जनवरी 1948 में संविधान का पहला प्रारूप चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया। 4 नवंबर से शुरू हुई यह चर्चा लगभग 32 दिनों तक चली। इस अवधि में कितने संशोधन प्रस्तावित किए गए? 7635 संशोधन प्रस्तावित किए गए। और विस्तृत रूप से चर्चा कितने पर हुई? 2743 पर विस्तार से इस पर चर्चा हुई थी, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे सबसे बड़ा संविधान किसका है? तो भारत का। सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका का। सबसे पुराना संविधान किसका है? अमेरिका का। सबसे नया संविधान किसका है? नेपाल का।
अलिखित संविधान ब्रिटेन का, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो आपको बता दें अलिखित संविधान में जैसे न्यूजीलैंड का संविधान, सऊदी अरब का संविधान, ये सब भी अलिखित संविधान है, लेकिन ज़्यादातर परीक्षाओं में हमेशा यही पूछता है कि अलिखित संविधान कहाँ का है, तो ऑप्शन में आपके रहेगा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ये अलिखित संविधान है, आप सभी लोग जानते हैं, और ब्रिटेन से बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो हमारे भारत के संविधान में हैं। तो भारतीय संविधान सबसे अधिक कहाँ से प्रभावित है? ब्रिटेन से। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, जैसे कि भारतीय संविधान की अंग्रेजी लिपि में कुल पेज की संख्या कितनी थी? 251। और भारतीय संविधान की अंग्रेजी लिपि में जो लिखा गया था उसमें कितने शब्द थे? उसमें शब्द थे दोस्तों 117,369। लेकिन UPPCS ने माना है कि भारतीय संविधान में शब्दों की संख्या 80,000 है। ये हिंदी के शब्द की बात कर रहा है दोस्तों, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो भारतीय संविधान जब बना था तब शब्दों की संख्या, पेजों की संख्या, इन सब के बारे में बात हो रही है, क्योंकि उसके बाद संविधान में संशोधन हुए, बहुत सारे ऐसे शब्द थे जिससे जोड़ा गया, जिसे हटाया गया, उन सब के बारे में बात यहाँ पे नहीं हो रही है। ये सभी बातें मूल संविधान के बारे में बात हो रही है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ आज की यह क्लास समाप्त होती है दोस्तों, और आज आपका संविधान सभा जो टॉपिक था वो भी समाप्त होता है। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि संविधान सभा 8 पार्टों में डिवाइड था, वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों चलिए अब यहीं पे ये क्लास समाप्त होती है, कल हम लोग एक नई टॉपिक के साथ, एक नई क्लास के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।